और देखिए यूपी में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की है और सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जिला अस्पताल में बेड रिजर्व रखने के निर्देश हैं। कोरोना वायरस पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। हर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड, इंडो नेपाल स्पेशल बॉर्डर पर सशक्त सतर्कता, एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार संपर्क। और एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। एसके, कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजाम के निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं, लेकिन हालात क्या है, क्योंकि लगभग पिछले एक हफ्ते से तमाम तैयारियों के निर्देश थे, अभी स्थिति है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, राजस्थान उसके बाद महाराजगंज में भी एक युवक लौटा है चीन से, जो कि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसे स्थिति में उसको आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर आला अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य समेत जो भी आला अधिकारी है उस बैठक में मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सभी अस्पतालों में 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां पर एयरपोर्ट्स हैं और खासतौर पर जो नेपाल बॉर्डर है, क्योंकि नेपाल में भी एक केस ऐसा रिपोर्ट हुआ है जिसमें कोरोना वायरस की संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है, जिसके बाद जो नेपाल बॉर्डर है वहां से जो आने वाले लोग हैं वहां पर भी विशेष चौकसी बरतने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, जिसमें वाराणसी है, लखनऊ है और गोरखपुर है, या फिर जो भी ऐसे स्थान है जहां पर बाहर से बड़े पैमाने पर पर्यटक आते हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, ऐसे सभी स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगर कोई भी इस तरीके का केस सामने आता है तो उसको तत्काल आइसोलेशन वार्ड में ले जाया जाए और उसका जो भी समुचित इलाज हो सकता है वो किया जाए। जिसको लेकर सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी प्रदेश भर के जितने भी डीएम हैं, साथ ही साथ जो मंडला आयुक्त हैं, उसके अलावा जो सीएमओज हैं उनको, और जो निदेशक हैं जिसमें राजधानी लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो केजीएमसी हो या फिर लोहिया अस्पताल हो या फिर एसजीपीजीआई हो, उनके सभी निदेशकों को भी निर्देश जारी हुआ है कि संबंध में अपने वहां प्रॉपर व्यवस्था रखें। अगर इस तरीके का कोई केस रिपोर्ट होता है तो उसको तत्काल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, ताकि इसके कहीं ना कहीं जो लगातार बढ़ रहा है, जो इसका जो संक्रमण है वो कहीं भी ना बढ़ने पाए और कोई भी केस मिलने पर उसको तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया इसके फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।